मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो सनाती ताज में भी खूबसूरत नजर आती हो। मोहल्ले में बेहयाई फैला रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बिहाइंड कैमरा सीन जो है वो वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को मजा है तो शेयर करते रहिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस और बनाएं। तब तक के लिए गुड बाय। अबे क्या अपनी जिंदगी अडॉप्ट करते रहती है तुम लोगों ने यार, हद होती है हर वक्त पल जी। अबे कोई काम धंधा करो, मुस्तकबिल में कुछ बनने की कोशिश करो, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ओ भाई, जब बाप दे खाने को तो कौन जाए कमाने। ये तो सही बोल रहे थे, इतना बाप दे रहा है तुझे कौन दे रहा है भाई, तू किस वजह से बैठा हुआ पानी। अरे मेरे को छोड़, तूने अपनी पूरी जिंदगी क्या कर दिया, बुड्ढा हो गया, शादी तो तेरी हुई थी। ओ भाई बुड्ढा बुड्ढा किस तो बोल रहा है, मैं तो बस किसी वजह से शादी लेट कर रहा हूँ। वो देते ना, मैं मुसीबतों को टालने के लिए सत्ता देते रहो, मैं सत्ता देता हूँ, इस वजह से शादी नहीं हो रही, सत्ता मुसीबत टल रही है ना। उसके अलावा भाईजान, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो सनाती ताज में भी खूबसूरत नजर आती हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात समझती हो, जैसे मेडिकल वाला इस डॉक्टर की लिखाई पढ़ना जानता है। अच्छा भाई, आज के बाद अगर तुम लोगों के साथ बैठूंगा नहीं, मैं शादी करने लगा हूँ। शादी करने वाले? हाँ भाई, टिक्के शादी कर रहा है, इससे पहले भी दो दफा लड़की वाले तुझे देखने के लिए आए चैनल में, हमने तो देख लिया, अब टिक तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। अब तुम्हारे भाई का सीन बन गया, तुम्हारी भाभी इतनी टाइट है एकदम मक्खन मलाई। उसकी आंखें, उसके बाल, उसके होंठ और उसकी चाल जो है ना, मुझे जल्दी से बता कौन से घर में रहने आई है, मैं चेक करूंगा, तुम लोग टाइप पे हो जाओ, आज के भाभी है वो तुम्हारी। अबे तेरी भाभी होगी, मेरी तो नहीं है। अबे देख यार, हमारे साथ ऐसी बातें कर रहा है, पहले मेरी शादी होनी चाहिए ना यार। अबे भाई क्या क्या क्या, इस मोहल्ले में मैं भी रहता हूँ, जितना हक तुम्हारा है ना उस लड़की पे उतना हक मेरा भी है। तो फिर हमें खल करते हैं, तीनों भाई जाएंगे, तीनों कोशिश करेंगे, जिसके पास आई उसकी, बात खत्म। पहले ये जाएगा, पहले मैं भी जाऊंगा। तू बड़ा है ना, बड़ा कहाँ से होगा, जब मैं छोटा होता था मेरे मुंह पे चमाट मार के मेरे घर भेजता था, तो मैं कहाँ से बड़ा हो गया। अबे तो वो मैं तेरी गलती पे भेजता था ना, तू तकदीर पे इनके आता था। चल भाई सही है, पहले ये जाएगा, दूसरे पे ये जाएगा, तीसरे पे मैं जाऊंगा। अच्छा दिया, चलो ठीक है, दूसरे पे मैं जाऊंगा, तेरा तीसरा नंबर आएगा ही नहीं, मैं लेके चला जाऊंगा, पर तेरी भाभी हो गई। जी वो ना, मैं आपके ना ऊपर रहता हूँ, नमक लेने आया था, थोड़ा सा नमक मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, कहाँ झांक रहे हैं आप, हाँ ये नहीं पता नमक और जाए। अच्छा वो आप नहीं है यहाँ पे? मैं नहीं हूँ, पुरानी आपको मतलब इस बात से? वो मैं कह रहा था अगर आपको कुछ चाहिए हो ना, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। अच्छा आप ना मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो कुछ चाहिए हो ना मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सात नंबर है मेरी चप्पल का। जी वो आंटी अंदर,
कोई आंटी नहीं रहती, वो चली गई है, मैं न्यू शिफ्ट हुई हूँ। मैं आपसे एक बात करने जा रहा था। जी बोले। वो मेरी शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करता अगर आप और मैं अगर हम लोग शादी कर लेते कितना अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम सुतला काशिफ है, मुझे प्यार से काशिफ कहते हैं। तो मैं भी इसी मोहल्ले का एक छोटा सा नौजवान हूँ। दरअसल बात तो इतनी थी, आप नहीं रहने आई, कल मैंने आपको देखा तो मुझे अपनी सिस्टर की याद आ गई। मेरी एक सिस्टर सऊदी अरब में रहती है, उनकी फसल माशाल्लाह हू बहू आपसे देती है। तो मेरा बड़ा दिल हुआ तो मैं अपनी बहन से मिलने जाऊं। आप तो कभी भी कोई जिंदगी में काम पड़े, इस मोहल्ले में कोई परेशान करे तो अपने भाई को जरूर याद रखना। तो आप तो कोई भी काम हो बिला झिझक अपने भाई को याद कर लीजिएगा। चलता हूँ मैं। बात सुन भाई। जी जी। आप ऐसे कह रहे हैं, आप मेरा सेल नंबर ले लें, मुझे कोई भी काम होगा ना मैं आपको बुला लूंगी। जी जी, मैं काम में देर से बात की, आप अपने हाथों से इसमें नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। लड़की लड़की ले गया उस्ताद, लड़की भी ले गया, पैसे भी ले गया। अभी कहे बर्बाद हो गए। इंशाल्लाह आपको जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी, आपके भाई को दत्तक खोलना भी आती है, इलेक्ट्रीशियन का काम भी आता है। दो तीन दफा तो मोहल्ले की दत्तक भर गई, दमादान ने बड़ी वंजिया मार के कोशिश करी, नहीं खुली। लेकिन आपका भाई उस गटर नाली के अंदर गया है, अपने मुंह से कचरा फटा के लेकर आया है। आप बेफिक्र रहे, कोई भी काम हो मैं हाजिर हूँ। जजाक अल्लाह। चलता हूँ मेरी बहन, दुआ में याद रखिएगा, नमाज पढ़ा करे। सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है सब। बाकी कुछ करना पड़ेगा इसको, इस मोहल्ले में रहने का हक ही नहीं है। नहीं, इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। बेटा मैं ऊपर रहता हूँ। ऊपर नहीं रहता, तू नंबर लेने आ गया। तू पकड़ना छोड़।